हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 4 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, ठीक है, वो कराने जा रहा हूँ। उसमें हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इसका यूनिट पहला करेंगे आज 1 स्टार्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ये मैं आपको 2 पार्ट्स में कराऊंगा, ये पहला वीडियो है इसका, ठीक है गाइस। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन 2 पार्ट्स में होगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन से। इन इकोनॉमिक्स द वर्ड प्रोडक्शन इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस टू डिनोट द प्रोसेस बाय विच मैन यूटिलाइजेज रिसोर्सेज सच एज मैन मटेरियल कैपिटल टाइम एटसेट्रा वर्किंग अपॉन देम टू ट्रांसफॉर्म देम इंटू कमोडिटीज एंड सर्विसेज एज टू मेक देम सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। ठीक है जी, इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स इनपुट इंटू आउटपुट विच आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स। देयरफॉर इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज सच एज मेकिंग अ क्लोथ बाय इंडस्ट्रियल वर्कर द सर्विसेज ऑफ द रिटेलर हु डिलीवर्स इट टू द कस्टमर्स द वर्क ऑफ डॉक्टर्स लॉयर्स टीचर्स एक्टर्स डांसर्स एटसेट्रा आर प्रोडक्शन। ठीक है जी, सो प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्रिएशन और एबिलिटी एडिशन ऑफ यूटिलिटी सॉरी मतलब प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कारपेंटर प्रोड्यूसेज ए टेबल, तो ये भी तो एक तरह का प्रोडक्शन ही है। ठीक है जी, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस टू ऐड यूटिलिटी टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर गेनिंग ग्रेटर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अ प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस्ड टू अ प्लेस वेयर दीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मेकिंग अवेलेबल मटीरियल्स एट टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल एट दैट प्लेस मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन फॉर्म्स ऑफ सर्विसेज। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, तो वी शैल डिस्कस दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ब्रीफली इन द फॉलोइंग पॉइंट। सबसे पहले हम लैंड को डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स या मीनिंग को मैंने पॉइंट्स पे लिखा है क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में उतनी सेंस नहीं समझ आती सबको और जल्दी इससे समझ भी आ जाएगा। सो लैंड हमें पता है इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टेबल पावर्स। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है गाइस? उसके बाद है लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। लैंड क्या है? एक पैसिव फैक्टर है। लैंड इज इमोबाइल, लैंड हैज मल्टीपल यूजेस, लैंड इज हेट्रोजीनियस। ठीक है, और लेबर के क्या फीचर्स हैं? सो लेबर है, इट इज अ ह्यूमन एफर्ट, लेबर इज पेरिशेबल, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, लेबर इज इंडिस्पेंसेबल फॉर्म ऑफ फॉर्म फ्रॉम लेबर। ठीक है, इंडिस्पेंसेबल फ्रॉम लेबरर, लेबरर से अलग नहीं है ये। लेबर पावर्स, लेबर पावर डिफर फ्रॉम लेबरर टू लेबर, लेबरर एक पर्सन से दूसरे पर्सन मतलब एक वर्कर से दूसरे वर्कर की दोनों की पार काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, लेबर इज मोबाइल, देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट, चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। और उसके बाद तीसरे की अगर बात करेंगे तो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल हमारा वो अमाउंट इन्वेस्टेड, सिंपल हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड। और ये बनता कहाँ से है, किस तरीके से होता है, ये कितने टाइप्स का हो सकता है? एक तो फिक्स कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, टेंजिबल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो इंडिविजुअल कैपिटल होगी, टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ह्यूमन हमारे जो एसेट्स हैं, हमारी एक्सपर्टाइज है जो। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। उसके बाद सोशल कैपिटल बिलोंग्स टू द सोसाइटी, रोड्स, ब्रिजेस। कैपिटल फॉर्मेशन मींस सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल। और उसकी स्टेजेस कैसे हैं कैपिटल फॉर्मेशन की? सबसे पहले क्या आएगा? सेविंग। दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। तीसरा इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद चौथा क्या पॉइंट अब हमारे पास आ गया जो फैक्टर प्रोडक्शन है, वो है एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर द पर्सन हु इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद रिस्क बियर करता है और अनसर्टेनिटी बियर करता है और इसमें इनोवेशन होती है और ये पर्सन जो करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और अब एंटरप्राइज की बात करेंगे कि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जो वो क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योर,
ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टू सर्वाइव, मतलब ये मेन उसका हो गया ना ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फेयर डील, नेशनल ऑब्जेक्टिव टू मीट नेशनल प्रायोरिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स क्या है ऑफ एन एंटरप्राइज, लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, हिंड्रेंस ऑफ फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और उसके बाद गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज, चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इन्फ्लेशन, राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज, और प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ती हैं गाइज। तो ये टॉपिक मैं यहाँ तक कंक्लूड करता हूँ, इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन हम करेंगे अगली वीडियो में, तब तक इन बेसिक्स पॉइंट्स को आप याद कीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।